नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों आज हम बात करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो प्रबंधकीय संवर्ग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण और सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन देने की यहाँ पर मांग की गई है। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कालीचरण जी सो सराफ हैं, सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा की। उन्होंने माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत को पत्र लिखकर प्रबंधकीय जो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM के जो अंतर्गत प्रबंधकीय संवर्ग के संविदा कार्मिकों को नियमित और सम्मान काम सम्मान वेतन देने के लिए यहाँ पर पत्र लिखा गया है। इन्होंने कहा कि NHUM के अंतर्गत प्रबंधकीय संवर्ग जिसमें पब्लिक हेल्थ मैनेजर और अकाउंटेंट कम DO के संविदा कार्मिक विगत वर्षों से अल्प मानदेय पर विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी में जान की परवाह किए बगैर अपनी सेवाएं विभाग में दे रहे हैं। उक्त कार्मिकों को संविदा पर अल्प मानदेय मिलता है जिसके कारण इनको जीवन यापन करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवार का भरण पोषण करना भी कठिन होता है। उक्त संविदा कर्मचारियों द्वारा सम्मान कार्य सम्मान वेतन के साथ नियमित किए जाने की मांग की जा रही है। कृपया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM के अंतर्गत प्रबंधकीय संवर्ग पब्लिक हेल्थ मैनेजर और अकाउंटेंट कम DO के संविदा कार्मिकों को नियमित एवं सम्मान कार्य सम्मान वेतन दिए जाने की अभिशंसा करता हूं। सादर कालीचरण सराफ। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहां पर, कालीचरण जी सराफ हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य। उन्होंने माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत को पत्र लिखकर NHUM के अंतर्गत जो प्रबंधकीय संवर्ग हैं उनको नियमित करने साथ ही सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन देने की यहां पर मांग की गई है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर पत्र लिखा है माननीय सीएम साहब को, अशोक जी गहलोत को, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधकीय संवर्ग के संविदा कर्मचारी को नियमित और सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन देने की यहाँ पर मांग की गई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।